जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है YouTube चैनल अमीठी ब्लॉग में। मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इस मैटर पे होने वाला है कि बहुत लोग वैक्सीनेटर और सहायक में हो गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मेरा हुआ है कि नहीं। तो आज और बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं आप लोग कि सर ये बताइए कि जो है लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है, कैसे पता करूं। तो मैं लगातार जो है इस पर भी जो है वीडियो बना रहा हूं, तो जो है आज का वीडियो हमारा इसी मैटर पे होने वाला है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो है वैक्सीनेटर और उसमें चयन हुआ है, सहायक में या वैक्सीनेटर में किसमें चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके मैं आपको 4, 5, 10 फैक्ट बताऊंगा ऐसे, जिससे आपको कंफर्म आप कर सकते हैं, आपको जो है बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस समस्या से जो है निजात मिल सकती है आपको, और आप ये आराम से जान सकते हैं कि आप ही जो है चयनित हुए हैं या आप किसी दूसरे के आईडी पर काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो है आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दो तीन तरीकों से ही मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, अगर आपका चयन हुआ है तो सबसे पहले जो है आपको आईडी और पासवर्ड वहां से मिल जाएगा। इनफ ऐप पे जो है आप देख सकते हैं, उसमें जो है दूसरा जो है ऑप्शन मैं बता रहा हूं, इनफ ऐप पे जो है आप जाइए और वहां पर आप चले जाइए डैशबोर्ड के ऑप्शन में। फिर से एक बार आपको कंफर्म करा रहा हूं, इनफ ऐप खोलिए, अपने लॉगिन और पासवर्ड मतलब कि पासवर्ड और आईडी से आप लॉगिन हो जाइए। जो आईडी होती है जहां तक बेशक किसी में चाहे चेंज रहे, बाकी वही जो है पासवर्ड भी होता है, तो उसको आप डाल के उसमें इंटर कर जाए। ऐप जब खोलेंगे तो उसमें जो है डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप डैशबोर्ड में चले जाइए। जब आप डैशबोर्ड के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको जो है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ये डिटेल्स आपको जो है उस एप्लीकेशन से आपको आराम से मिल जाएगी, और आप आराम से ये जान सकते हैं कि आपका ही चयन हुआ है या आप किसी दूसरे के आईडी पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, होता एक्चुअली कुछ लोगों के साथ ये समस्या भी आई कि दूसरे लोगों ने जो है अपनी आईडी जो है लॉगिन करवा ली और दूसरों को बता दिया कि भाई अब तुम्हारा हो गया है, और आईडी पे उनके जा रहा है रजिस्ट्रेशन, वो जो भी हो रहा है उस सारा कुछ जो है उसका जो है ब्यौरा जो है उनकी आईडी पर जा रहा है और काम कोई दूसरा कर रहा है। लास्ट में जब सैलरी की बात आएगी तो पैसे की बात आएगी, जो भी कमीशन बनेगा उसकी बात आएगी, तो वो जो है पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा और वो जो लोग बेचारे जो है हाथ मलते रह जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आप पशु चिकित्सक के पास जो है चले जाइए, उनके पास भी जो है आपको ब्यौरा मिल जाएगा इसका कि आपका जो है कहाँ पर जो है मिला है, हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें। चौथा ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा, आईडी कार्ड जो है मिल जाएगा। आईडी कार्ड में भी जो है लिखा रहेगा कि आप सहायक पर हैं कि वैक्सीनेटर पर हैं, जैसे कि आप देखे वो जो है आप आराम से जो है देखे होंगे, या फिर नहीं देखे तो मैं अभी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि किस प्रकार से जो है आपको आईडी कार्ड मिलेगा वहां से। तो आईडी कार्ड मिल जाएगा, तो ये 4-5 जो है ऑप्शन है जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपका वैक्सीनेटर और सहायक में हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो हमारा आपको जो है हेल्पफुल लगा होगा और इससे आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी। दोस्तों, जिनको पता था उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने जिनको जो है बहुत लोगों को नहीं पता होता इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा, बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे। तो दोस्तों, अब मिलेंगे आपको फिर अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक हमारा ये होगा ये मैटर पर कि जिनका जो है वैक्सीनेटर और सहायक में नहीं हुआ या जिनका जो है लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे क्या करें। तो अगला वीडियो भी देखना ना भूले। तब तक के लिए आप अपने दोस्त दीजिए अंकुर तिवारी को इजाजत, और बस कमेंट में आप एक ही बात लिखिएगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए सभी भाई। आप ये मत समझिए कि मैं आपको नहीं पहचानता, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, सैकड़ों लोगों को, 200 लोगों को, लेकिन आप लोग भी मुझे जानते होंगे, तो सभी मेरे जो है भाई हैं। तो वीडियो को शेयर वेयर भी कर दीजिएगा, जो भी करना हो कर दीजिएगा, आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक भी है। तो आप दीजिए अंकुर तिवारी को भैया इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका भाई जो है उस पर वीडियो जरूर बनाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे वा मातरम, जय।